हेलो एंड यू वॉचिंग क्लैप ट्रैप। वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो की शुरुआत थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको दो शॉर्ट्स दिखाएंगे, उससे आपको एक आइडिया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। लेट्स सी दैट। सो यू गैस इट राइट, आपने करेक्ट गैस किया है। हम जा रहे हैं मिलने के लिए सनी गुप्ता जी से, जिनकी कंपनी का नाम है फैंटनी डिज़ाइंस इन इंटीरियर। एक अपार्टमेंट ड्यूप्लेक्स जो था उसको उन्होंने किस तरह से डिज़ाइन किया, किस तरह के थ्रेड्स थे, उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि क्या चीज़ है जो नया उन्होंने किया है इस अपार्टमेंट के अंदर। हालांकि अपार्टमेंट लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, लेकिन आज भी वो उतना ही फ्रेश है। आई थिंक यही एक इंटीरियर डिज़ाइनर के सबसे बड़े स्किल्स होते हैं कि वो जब भी घर को डिज़ाइन करते हैं तो उसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखते हैं। ऑफ कोर्स ही नोज़ दी एस्थेटिक्स एज वेल। सो दिस इज़ दी अपार्टमेंट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, थर्ड फ्लोर एंड द फोर्थ फ्लोर। वील गो एंड स्पीक टू सनी गुप्ता जी। लेट्स बिगिन द वीडियो नाउ। हेलो सनी जी। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। वो जो पिछली बार आपने हमें वेस्टर्न स्टाइल का एक फ्लैट दिखाया था जी, वंडरफुल रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो हमने सोचा कि और क्यों ना ऐसी प्रॉपर्टीज ही देखी जाए जो आपने खुद डिज़ाइन की हो, कंस्ट्रक्ट की हो। जी जी। सो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज अगेन हम एक ड्यूप्लेक्स देखेंगे। ओके। अगेन मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी स्टाइल में। अच्छा। और ये ड्यूप्लेक्स आज से 2 साल पहले हमने बनाया था। अच्छा जी। तो अभी बैकग्राउंड को देख के नहीं लग रहा है, हालांकि जी वेरी वेल मेंटेन्ड। अब हम आपको इसमें, क्योंकि बिकॉज अभी आप देखेंगे कि ये अगेन एक ड्यूप्लेक्स, इसमें ऊपर 2 बेडरूम है। ओके। विद अटैच टॉयलेट और एक डबल हाइट वॉल है, और उसके बाद नीचे इसमें किचन, ड्राइंग रूम और एक बेडरूम है। ओके। इस तरह से ये हमने घर डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो आइए मैं आपको इसका पूरा डिटेल दिखाते हैं। चलिए ठीक है जी। और सर कितना एरिया बताया आपने ड्यूप्लेक्स का, एक एक फ्लोर का? ये ड्यूप्लेक्स पूरा ओवरऑल जो ड्यूप्लेक्स है वो 1800 स्क्वायर फीट में है। अच्छा। हाँ जी। तो 1800 स्क्वायर फीट में हमने कितने बेडरूम निकाल दिए? 3 बेडरूम। ओके। एक ड्राइंग रूम, एक लिविंग रूम। अच्छा। मंदिर। अरे वाह। एक किचन। ओके ठीक है। तो स्टार्टिंग विद दिस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे जी। और आज हम दूसरे तरीके से शूट कर रहे हैं जी, मतलब विदाउट कट हम लेंगे पूरा जी, है ना? हो सका तो ऐसा कोशिश करेंगे कि एक ही फ्लो में हम बताते चले हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी, टॉप फ्लोर पे अभी हम जी। जी बताइए। जैसे ये अब आप एक बेडरूम देख रहे हैं अब जी, ये देखिए जैसे ये बेड की बैक पे हमने काम किया, ये ओवरऑल जो रूम का जो थीम था वो हमने व्हाइट ग्रे रखा हुआ था। तो जैसे आप देख रहे हैं ओवरऑल पूरे रूम के अंदर व्हाइट एंड ग्रे में है। ओके। सबसे पहले अब आपको मैं इसमें सीलिंग दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने इस सीलिंग में डिज़ाइन किया, और इस रूम में हमने इनको ना प्रोजेक्टर भी दिया है। अच्छा। ये एक तरीके से मास्टर बेडरूम है। ओके। तो इनकी ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि हमारे को इस रूम के अंदर प्रोजेक्टर भी चाहिए, बड़ा टीवी देखना चाहते हैं जी, तो इसलिए आप देख रहे होंगे हमने प्रोजेक्टर लगाया है। और उसके साथ ही हमने डिज़ाइनर सीलिंग दी है। ओके। तो जैसे आप देख रहे हैं पीछे बेड में अगर आप देखेंगे तो ये सारा हमने हाई ग्लॉस पॉलिस्टर किया हुआ है जी, तो वाइट एंड ग्रे के अंदर। ओके। उसके साथ अगर आप देखेंगे हमने थोड़ा सा हमने ग्रे लुक में एमओपी में काम किया है जी, जी। ओके। हाँ, ये एलिगेंट मतलब आपको नज़र आने का जी इस चीज़ के लिए। ठीक है। अब आप देखेंगे जैसे ये डोर्स के डिज़ाइन आप देख रहे हैं, अगेन इस डोर के अंदर देखिए ये हमने ग्लास में डिज़ाइन किया है। ओके। ग्लास भी लेकर ग्लास है, डबल ग्लास है जी। ये इसमें हमने विनियर यूज़ किया है। ओके। और इसके ऊपर ओवरऑल पे पीयू पॉलिश है। ओके। और ये इसके अंदर हमने वाइट लैमिनेट भी यूज़ किया है। अच्छा जी, अगर आप देखें तो जी जी। और साथ में अब ये पूरा डोर का मोल्डिंग है, पूरी टीक की चौखट है। अच्छा। डोर फ्रेम है। तो जब आपको ये मिला था तो ये डोर्स में ये डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ भी नहीं था? नहीं, ये हमने स्टार्टिंग से पूरा कम्प्लीटली डिज़ाइन किया है घर। ठीक है जी। ऑल राइट ठीक है। इस वाइट कलर इसलिए क्योंकि बिकॉज डिमांड थी, या फिर आपको लगता है कि स्पेस को ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए? देखिए ये स्पेस को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए रहता है। ओके। स्पेसिफिकली हम जनरली लाइट कलर्स ही यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं कि बेडरूम में लाइट कलर्स ही हो। ठीक है, मैं एक वाइडर व्यू दे देता हूँ पूरे रूम का जी। देखिए ऐसे ये पूरा रूम ऐसा दिखता है ये जी। ओके ठीक है। ऑल राइट ओके जी बताइए ये जी। अब जैसे अगर आप इस तरफ देखें तो अगर आप देखेंगे ये एक पूरी टीवी की वॉल है। अगर आप थोड़ा सा पीछे से पूरा दिखाएं तो जी 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 देखिए, अब इसके अंदर हमने अगर आप ओवरऑल देखिए वहाँ पे क्योंकि एक गेट था तो हमने गेट के ऊपर भी वही कुशनिंग का काम किया है जो हमने यहाँ पे किया है। अच्छा। देखिए तो अब ये ओवरऑल एक सिंगल वॉल लग रहा है
जी जी, इस तरह से हमने इसको डिजाइन किया। अगेन बेड से मैचिंग का हमने यहाँ पे एमओपी किया, सेम यहाँ पे हमने पॉलिस्टर फिनिश किया। ओके, तो ये पूरा टीवी यूनिट इस तरह से हमने डिजाइन किया। ठीक है, और सेम व्हाइट थीम में ही हमने, सेम ग्रे व्हाइट थीम में ही हमने इसमें काम किया। ओके जी, ठीक है, ऑल राइट। और फ्लोरिंग के बारे में बता रहे थे आप मुझे। फ्लोरिंग यहाँ पे ये हमने इसके अंदर सतवारियो फ्लोरिंग यूज की है जी, ये व्हाइट मार्बल है। ओके, ये इम्पोर्टेड मार्बल, वेरी एलिगेंट मार्बल, ये इम्पोर्टेड होता है फ्लोर? हाँ जी, ये इम्पोर्टेड होता है। ओके, तो और ये एक छोटा सा सीटिंग अरेंजमेंट है ये हमने सामने, हाँ, एक छोटा सा नॉर्मल सीटिंग अरेंजमेंट, ताकि क्लाइंट अगर कोई बेडरूम में आता है तो वो बैठ के बात कर सके। ठीक है जी। और इसके अलावा दो एडिशनल चेयर्स हैं यहाँ पे साथ में दिए जी, और एक्स्ट्रा चेयर्स हैं, एक्स्ट्रा चेयर्स। अच्छा, ये टेलीविजन व्यूइंग के लिए अच्छा ऑप्शन है बेसिकली। ठीक है सर, मैं ना ये देख रहा था सनी जी, ये जो अपना लाइट के लिए जो आपने प्रोविजन दिया है, काफ़ी ग्लॉस है इसमें, ये किस चीज़ में है, क्या मटेरियल है? देखिए, लाइट इसमें हमने दो कलर्स में लाइट दिया है, हमने इसमें वॉर्म वाइट भी दिया है और हमने इसके अंदर वाइट कलर भी लाइट दिया है, न्यूट्रल। अच्छा, ठीक है, दोनों कलर दिए जिसकी वजह से आपको ये एम्बियंस मिल रहा है। अब आप ये देखें, यहाँ पर हमने डिफरेंट लाइटिंग दिया है जी, ये ओवरऑल एम्बियंस लाइट है ये। ओके जी, ठीक है, ऑल राइट। तो काफ़ी लिट अप स्पेस है ये। हाँ जी, और ये ऊपर स्टोरेज है क्या वहाँ? नहीं नहीं, ये दिस इज फॉर प्रोजेक्टर पर्पस। और इस बेडरूम का स्टोरेज कहाँ पे है, जहाँ पे कोई वार्डरोब जो है इसके पीछे? ओके, ठीक है, नीचे चलते हैं अभी। सो दिस इज़ वेरी नाइस, नीट, वाइट है और काफ़ी मेंटेन भी है इतने टाइम के बावजूद भी, एंड आई एम श्योर कि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। सो सर, वी हैव कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रूम, ये शायद पाउडर रूम है जी, ये एक पाउडर रूम है जी। जैसे अब आप देखेंगे इसके अंदर, अगेन हमने आप देखें वाइट ग्रे, और इसमें थोड़ा सा कलर लाने के लिए हमने ये टर्किश ग्रीन कलर की टाइल्स यूज की है। अच्छा जी, ये मोजैक टाइल्स है, तो आप ओवरऑल देख सकते हैं। राइट, ये बाथरूम है, और ये वाइट आपने पूरा थ्रू आउट फॉलो किया है, वहाँ से लेके आया था पूरे घर में, है ना? पूरे घर में। ओके, तो ये पाउडर रूम है बेसिकली, जहाँ पे बेदिंग या कोई तरह का वेट का काम नहीं होता है। हाँ जी, ठीक है। जैसे आप ये देखें, ये हमने इसके अंदर ये लीव्स का हमने डिजाइनिंग डाली है फ्लोर के अंदर, आप देखें ये जगह जगह पे डाली हुई है। ये कैसे क्रिएट किया? ये हमने नेचुरल इसके अंदर ब्लू लैपिस मार्बल में इसको यूज किया है। अच्छा जी, और तो देखें जैसे आप ये और जगह पे भी है, इसको कट किया गया हुआ है जी, ये पत्थर में हमने कट करके इनले करके। अच्छा, हाँ, बड़ी मेहनत का काम है जी जी। देखिए आप, ठीक है, हमने सब जगह डाला है। ऑल राइट, तो अभी हम हैं बेसिकली फर्स्ट फ्लोर पे, जो टॉप फ्लोर है ड्यूप्लेक्स का। हाँ जी। ओके, अब हम ये सारे, इसके अलावा भी बेडरूम्स हैं वहाँ पे। हाँ जी। और एक दो रूम वहाँ पे हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है, मुझे इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। ये एक डबल हाइट वॉल है, बेसिकली इसमें हमने मिरर का, और हमने इसमें आप देखेंगे हमने ट्रायंगल्स का काम किया है, आप ऊपर सीलिंग भी देख सकते हैं। तो ये, अच्छा, ये काफी डिटेलिंग में हमने इसमें सीलिंग में काम किया। ओके, अगेन हमने इसके अंदर पूरा वाइट ही रखा है। ओके जी, ऑल राइट। और ये कोई खास वजह है कि हमने इतने सारे डिजाइन यहाँ पे क्रिएट किया? यहाँ पे अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जब डबल हाइट है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ, क्योंकि ये ओपन एरिया है जी, इसके अंदर कभी हम बैठते नहीं है उस तरह से, तो ये वेकेंट रहता है। ओके, तो इसलिए हमने इसके ऊपर ज्यादा डिजाइनिंग, आप देखेंगे मिरर हमने इसलिए डाला है ताकि ये स्मॉल स्पेस जो है थोड़ा सा बड़ा लगे। अच्छा, वो सामने से मिरर इसलिए डाले हमने, एंड एट द सेम टाइम एकदम ट्रांसपेरेंट मिरर भी नहीं है वो, है ना जी? ओके, मतलब सी थ्रू वैसा मिरर भी नहीं है, क्लियर मिरर भी नहीं है वो जी। ऑल राइट, ओके, एंड दिस इज़ वेरी अट्रैक्टिव पीस, ये देखिए बहुत अच्छा दिखता है यहाँ से। मुझे वो पेंटिंग के बारे में बता दीजिए नीचे, ये जो स्टेयरकेस में। ओके, बेसिकली तो ये पूरा का पूरा, वाओ। इसको कितना टाइम लगा कंप्लीट होने में? अप्रॉक्सीमेटली इसको 3 महीने लगे थे इस पेंटिंग को, इसके ऊपर हैंड पेंटिंग होने। दिस इज हैंड पेंटिंग, तो इसके आर्टिस्ट मिलते होंगे जो ये करते होंगे? जी जी जी। ओके, वेरी नाइस एंड एलिगेंट। ये नीचे का फ्लोर है सर, मुझे आप जो भी यहाँ दिखा रहे थे सेम मेपल लीव्स के जो फॉल है वो आपने नीचे इनले में फॉलो किए हैं, देखिए नीचे जी, है जी, ना जी, नीचे जी, भी फॉलो किया है जी। ऑल राइट, तो इसका कोई थीम था बेसिकली क्रिएट करने के लिए? अल्टीमेटली मतलब ये हमारी डिजाइनिंग का पार्ट था। अच्छा, ठीक है, विल गो डाउनस्टेयर्स नाउ, नीचे चलते हैं। ठीक है, सो वी हैव कम टू द फर्स्ट फ्लोर नाउ जी। ओके जी, बताइए। देखिए, जैसे ये इनके बेटे का बेडरूम है, ये जैसे आप देख ही रहे हैं बेटे की पिक्चर है, राइट राइट, पर्सनल स्पेस है। अब आप ये देखें, इसके अंदर हमने पूरा फुल हाइट बेड दिया है, फुल हाइट कुशनिंग की है। ओके, और ये ऊपर हमने सीलिंग के अंदर भी अगर आप देखें जी, तो ये सारा हमने कॉर्क बोर्ड का काम किया हुआ है। अच्छा, हाँ जी। ओके जी, अगेन इसी कलर से मैचिंग की हमने ये लेदर की शीट लगा करके इनका काम किया है। अगर आप टीवी पैनल देखेंगे तो पूरा ये पूरा लेदर का वर्क है,
अच्छा ये लेदर में, दिस इज नेचुरल लेदर। ओके हाँ जी ऑल राइट। तो बेसिकली इसको किसके ऊपर पेस्ट किया था, वुड के ऊपर? इसको ऊपर, इसको हमने वुड के ऊपर पेस्ट किया हुआ है। ओके जी ठीक है। और ये एक मेरे ख्याल से स्टोरेज है इसमें जी, स्टोरेज भी हमने नीचे दिया हुआ है क्योंकि अपनी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं हमने। हाँ जैसे अब आप ये देखें, ये हमने इस कमरे में, इसमें ऑटोमेशन भी किया हुआ है, ये पूरा आपका रिमोट से भी ऑपरेटेड है। जैसे ये फैन का है, ये लाइट का है, ये मास्टर स्विच है। अच्छा अगेन ये भी लाइटिंग के स्विचेस हैं, ये फैन को बढ़ाने और घटाने के लिए हैं। ओके फैन का एक रेगुलेटर है। जैसे अब आप ये बेड की बैक में देख रहे हैं, ये हमने सारा वुड का वर्क किया है ये सारा। तो और ये मतलब आप देखें, उसमें हमने फिर पीछे हमने स्टोरेज भी दिया है। अच्छा वहाँ पे हमने वॉलपेपर भी दिया है। ओके तो ये इस हिसाब से एक छोटा सा इसमें जो है ड्रेसिंग स्पेस भी है। हाँ जी, और ये हमने कर्टेंस दिए हैं जी, ये इनका बैकयार्ड एरिया पीछे का। ठीक है जी, बहुत कॉम्पैक्ट स्पेस को काफी अच्छे से आपने इस्तेमाल कर लिया इसमें जी। और ये आई थिंक ये अटैच इसका वॉशरूम है जी, यहां से जो ये है इसका अटैच बाथरूम है जी। ठीक है ऑल राइट। और ये सर बेड जो है ये किंग साइज क्वीन साइज बेड है? ये क्वीन साइज बेड है। ओके विद स्टोरेज है? विद स्टोरेज है, क्योंकि इसमें अलग से आपके पास वार्डरोब है वहाँ पे, फिर भी एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए यहाँ पे स्टोरेज के। ओके जी ठीक है। इसको हमने व्हाइट में फॉलो नहीं किया, इसमें थोड़ा हमने ब्लिंग ऐड किया है, गोल्ड ऐड किया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने ज्यादातर क्रीम कलर को यूज किया है। अच्छा क्या क्यों ऐसा? कस्टमर चॉइस। अच्छा अगेन और मतलब ऑड भी नहीं लगता, व्हाइट से मैच भी करता है, ऐसा भी नहीं कि अचानक कलर, बहुत ही सटल सा कलर है। तो जनरली जब इतने छोटे रूम को आप डिजाइन करते हैं, उनके कलर्स डिसाइड करते हैं, तो कलर्स का क्या खास ख्याल रखते हैं? देखिए कलर्स हम स्पेसिफिकली हमेशा ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गॉडी ना हो। ओके क्योंकि वो छोटे स्पेस को और ज़्यादा छोटा स्पेस रिजेंबल होने लगता है फिर। अच्छा तो इसलिए जनरली हम ऐसे कलर्स यूज़ करते हैं जो कि ब्राइट हों, लाइट हों, और ओवरऑल जो अल्टीमेटली कस्टमर क्या है कि ना कुछ टाइम के बाद उनके साथ बोर ना हो। अच्छा मतलब न्यूट्रल कलर्स में ज़्यादातर प्ले करते हैं जी। जी ठीक है, चलिए अभी हम किचन की तरफ चलें जी। चलिए सो सनी जी, वी हैव कम टू द किचन एरिया जी। व्हाट वाज द स्पेसिफिकेशन, क्या रिक्वायरमेंट थी? जनरली देखो इनको एक आइलैंड किचन चाहिए था। अच्छा जैसे आपको आइलैंड दिख रहा है, सारा शेल्फ्स आपको दिख रहे हैं। ओके स्पेसिफिकली आइलैंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज रहता है कि ये आप किसी ऑल फोर साइड से आप इसे यूज कर सकते हैं। ओके मतलब तो आइलैंड के साथ में क्या होता है, इसमें स्टोरेज बहुत अच्छी मिल जाती है जी, इसमें आपको दोनों साइड पे स्टोरेज है। ओके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप देखिए इसके ऊपर हमने ये टॉप बहुत ही एलिगेंट टॉप, इसको लेब्राडोराइट बोलते हैं जी, ये क्वार्ट्ज होता है, ये ब्राजील से होता है। अच्छा इम्पोर्टेड है ये? हाँ जी, हाँ जी, ये इम्पोर्टेड होता है। अब आप इसमें देखेंगे ये कुक टॉप जो है ये भी एलिका का है, और ये हमने आइलैंड चिमनी है। अच्छा तो आप देख रहे हैं आइलैंड चिमनी क्योंकि सेंटर में हैंग होता है ये, सेंटर में इसके लिए। इसके साथ हमने डबल डोर फ्रिज और ये हमने इनको एक क्रॉकरी यूनिट दिया था। तो साइड में अब आप देख ही रहे हैं कि ये जनरली यूसेज के लिए किचन में। अच्छा ये शेल्फिंग है। और सेम जो है आपने स्प्लैश एरिया में और काउंटर पे लिया है? सेम काउंटर एंड स्प्लैश एरिया सेम हमने यूज किया है। ठीक है, और ये हमने एक इनबिल्ट यूनिट दिया है किचन के अंदर। अच्छा देखें तो ये माइक्रोवेव एंड अवन, ये भी एक इनबिल्ट यूनिट की तरह हमने इसमें, अच्छा ताकि स्टोरेज पूरी हो जाए किचन के अंदर। ओके जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाए। ठीक है सर, इसका वाइट फ्लोरिंग जब डिसाइड किया था तो बेसिकली कुछ चीज़ों का किचन का होता है थोड़ा सा कि लोग नहीं चाहते कि फ्लोरिंग वाइट रहे, कंफर्ट भी देखना होता है लोगों का कि किसी को लगे नहीं छोड़ जी, स्पेस मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है डन, तो आई थिंक वी विल गो टू द लॉबी नाउ एंड देन वी विल सी लिटिल बिट ऑफ ड्राइंग रूम। ठीक है जी, एंड नाउ वी हैव कम टू द लॉबी जी। ये हमने अभी ऊपर से बताया था, अभी सनी जी हम आ गए हैं अभी लॉबी में, राइट? बताइए यहाँ का क्या, हाउ डिड यू डिसाइड? ये तो एक हैंड पेंटेड है तो आपने देख ही लिया जी जी, ये पूरा का पूरा। अब आप देखें ये एरिया स्पेसिफिकली इनकी डॉटर की चॉइस थी। अच्छा इस तरीके की इनको पेंटिंग चाहिए। ओके तो इसलिए हमने बनाया, एक ये हमने राउंड स्टेयरकेस दिया था इसमें जी, डबल हाइट वॉल के साथ। ओके तो अब आप नीचे से देखिए ऊपर की, वो हमने फॉल सीलिंग जो आप हमसे पहले पूछ रहे थे कि वो ऐसी क्यों है डिटेल्ड में जी जी, तो वो देखिए नीचे से बहुत अच्छी दिखती है। वाह
ऐसा एक्चुअली इसमें जो प्लेन रहता था उतना वैल्यू नहीं ऐड होता था जी, ये डिज़ाइन होने से पूरे में एक वैल्यू एडिशन हो गया है जी, बहुत अच्छा। और ये लाइट्स का बहुत अच्छा प्रोविजन है हैंगिंग लाइट्स में जी। और ये एक मसाज चेयर भी देख रहा हूँ मैं, उसका क्या पर्पज़ था बेसिकली? ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, मसाज चेयर घर में चाहिए। अच्छा, ये एरिया भी था हमारे पास। अल्टीमेटली ये वैसे तो सेटल डाउन पीछे हो जाती है, अभी हमने आगे करके रखी हुई है। ओके ठीक है जी। और सेम हमने पैटर्न फॉलो किया है यहाँ पे फ्लोरिंग में जी, ये मेपल लीफ्स का। ओके जी। एंड मोस्ट डिवाइन प्लेस, मंदिर बनाया है। ओके, ये पूरा कोरियन में बनाया हुआ है हमने। इसके ऊपर वाइट टॉप है। अच्छा, मार्बल का। ऑल राइट, तो वाइट जो स्कीम है आपने थ्रू आउट फॉलो किया है वहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक। ओके ठीक है। और इसमें स्मोक का कोई इशू नहीं था? बिकॉज टेंपल में जनरली लोग अगरबत्ती और दीपक जलाते हैं। नहीं, बट जनरली मतलब वो ठीक है, मैनेजेबल चीज़ है। अच्छा, एग्जॉस्ट है इसमें कोई? जी। अच्छा ठीक है, और बहुत अच्छा है। ये स्टोन लग रहा था मुझे वो ऊपर जो है ना, ये कोरियन का। कोरियन जी। अच्छा जी ठीक है। ऑल राइट, और नीचे स्पेस जो है वो क्लीनिंग के पर्पज से, ताकि वो आप सफाई भी कर सकें। स्टार्टिंग के लिए हमने छोड़ा है। ठीक है, सो दिस इज द लॉबी पार्ट, वी गो टू द ड्राइंग रूम नाउ एंड देन द एंट्रेंस है। राइट ठीक है। एंड नाउ सनी जी, अब हम कहाँ गए? ये देखिए, ये ड्राइंग रूम है जी, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि गेस्ट रिलेटिव्स कोई मिलने वाला, सब लोग देखिए इसी रूम में आते हैं जी। जी, आप देखेंगे इस रूम में हमने बहुत डिटेल में काम किया हुआ है। ओके, सबसे पहले देखिए हम इससे स्टार्ट करते हैं। ये हमने पूरा का पूरा मिरर का काम किया, उसके ऊपर पूरा वर्साचे का हमने काम किया है जी। देखिए आप, ये वर्साचे मेडुला है। अगेन अगर आप इसमें देखेंगे तो ये पूरा का पूरा हमने ये इसको ब्रास पेंट किया है। अच्छा, ग्लास के ऊपर जी। ओके, और उसके बाद देखेंगे तो ये हमने पूरा का पूरा एक हमने डिज़ाइन एलिमेंट डाला है ये अगेन सर्कुलर में। अच्छा, ये अगर आप देखेंगे अगेन सॉलिड वुड का काम है। ओके, ये इनके कर्टेन्स हैं। ये देखिए, ये अगेन एक डिज़ाइनर सोफ़ा हमने इनको दिया है। ओके, थ्री सीटर और एक टू सीटर जी, जिसके साथ में एक बड़ा सेंटर टेबल है ये। ओके, और एक कंफर्टेबल हमने एक ये काउच सीटिंग भी दी है। अच्छा, ये किस लिए जी? ये अब आप देखेंगे पूरे कलर से हमने डिफरेंट कलर में दिया, ब्लू कलर में जी। अल्टीमेटली हम इस पूरे रूम की मोनोटोनी को चेंज करना चाहते थे। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने ये ब्लू सीटिंग, ये कंफर्टेबल सीटिंग है कि अगर आपको 3-4 घंटे 5 घंटे, जैसे अब आज की डेट में सब लॉकडाउन में 5-5 6-6 घंटे टीवी भी देखते हैं जी, जी दो दो मूवी देखते हैं, बिल्कुल इसके ऊपर आप बैठ के देख सकते हैं। ओके ठीक है, और ये इसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए ब्लू कलर में दिया है जी। जी ठीक है, अब देखें जैसे ये एक टीवी यूनिट हमने बनाया था, इसमें देखिए हमने एक कोव लाइट भी दिया है। अच्छा, ये हमने कॉपर का इसमें वॉलपेपर का काम किया है। ओके जी, और ये आप देखें ओवरऑल ये नीचे हमने इसके अंदर स्टोरेज दिया है जी, ऊपर ये हमने टीवी यूनिट दिया। ओवरऑल आप देखेंगे कि वाइट थीम हमने मैच ही किया है पूरे घर का, एक शॉक ना हो इसके लिए जी। जी ठीक है, और लाइट्स के बारे में मुझे बता दीजिए इसमें। लाइट्स अगेन हम सभी जगह पर ये होता है कि वार्म वाइट और न्यूट्रल वाइट दोनों कलर्स देते हैं जी, तो आप अगर आप देखेंगे तो दोनों ही कलर्स इसके अंदर भी हमने दिए हैं। तो इसमें फैन भी है देखिए अब आप तो। ओके, और सीलिंग में आपको ओवरऑल सीलिंग का डिज़ाइन आपको दिख ही रहा है जी। जी, एक चीज़ मैंने आपके काम में हमेशा नोटिस किया है सनी जी, कि आपके फैंस के ऊपर बड़ा फोकस होता है आपका। जी, जी, फैंस आप बहुत यूनिक और डिफरेंट लाते हैं, उसकी क्या वजह है बेसिकली? देखिए, फैन एक्चुअली क्या होता है कि अल्टीमेटली अदरवाइज ना, अगर आप बहुत नॉर्मल सा फैन यूज़ करते हैं तो सीलिंग का सारा डिज़ाइन जो है ना फैन की वजह से ख़राब हो जाता है जी। तो फैन भी जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीरियर का पार्ट है। राइट राइट, इसलिए हम स्पेसिफिकली फैन के ऊपर भी ये देखते हैं कि फैन भी कहीं ना कहीं मैचिंग होना चाहिए, ओवरऑल उसमें भी कोई ना कोई डिज़ाइन एलिमेंट होना चाहिए जी। अच्छा, तो इस वजह से हम फैन भी अगर आप देखेंगे ये भी अगेन हमने एक डिजाइन एलिमेंट की वजह से डाला है। ठीक है जी, तो टोटल हमने ओवरऑल एक व्यू ले लिया इसका जी, पेंट हाउस का। आपने बताया 1800 स्क्वायर फीट है ये, 1800 स्क्वायर फीट टोटल है जी। इसको कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगा? इसको हमें कंप्लीट करने में अराउंड 6 मंथ्स लगे थे, क्योंकि इसके अंदर हमने एक तरीके से वॉल्स का प्लास्टर भी हमने किया था। ओके जी, इसमें सारा इटालियन फ्लोरिंग हमने लगाया, इसमें सारी वॉल्स के ऊपर हमने काम किया, बहुत सारा लकड़ी का काम किया, दरवाजे चौखटों के काम किए, सारे फर्नीचर का यहीं पे काम हुआ। अच्छा, कुछ बेड्स हमने यहीं पे बनाए हैं। ओके, पूरी किचन का काम हमने यहीं पे किया है, स्टोरेज का काम किया है, प्लम्बिंग का काम है सारा। अच्छा, बेड्स यहाँ पे इसलिए बनाए थे क्योंकि ऊपर था और रूम में आने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। जी जी, तो सारा हमने यहीं पे मेक टू ऑर्डर, प्लस कस्टमर की चॉइस भी ये थी कि वो बिल्कुल बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल लगवाना चाहते थे अपने घर में जी, तो इसलिए हमने सारा का सारा कस्टमर के सामने यहाँ पे कस्टमाइज किया। अच्छा, और अगर आप देखेंगे ओवरऑल इस 1800 स्क्वायर फीट के अंदर, इसमें अगर फ्लोरिंग कस्टमर ने हमारे को प्रोवाइड की थी, फ्लोरिंग हमने नहीं, वो अपने आप लेके आए थे। अच्छा जी, इसमें ओवरऑल हमने कुछ 22 से 24 लाख रुपए का
खर्चा आया था। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली वही होने वाला था कि इसमें क्या इसके कॉस्ट आया, वो आपने खुद ही बता दिया मुझे जी कि 24 लाख के आसपास का खर्चा आया। जी जी, ओके। ये कौन से कितने साल पहले आपने हैंडओवर किया था? 2 साल पहले हमने हैंडओवर किया था। और आज की डेट में अगर इसको कॉस्ट में कंपेयर करें तो कंपेयर टू 24 लाख अभी कितना होगा? आप कह सकते हैं कि मतलब आज भी ये काम मतलब कह सकते हैं 20% इंक्रीज के साथ मतलब 27-28 लाख के आसपास ही आज ये काम आज भी हो जाएगा। ठीक है, और 3 मंथ्स लगा आपको? ठीक है, वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा और एक नया चीज़ देखने को मिला। थैंक्स लॉट फॉर शोइंग दिस टू अस। फिर जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। ओके, थैंक यू। So this is the end of the video. If you liked anything about this video, please write in the comment section. And if you did not like it, write again, because we'll try to learn things from you. And creativity is subjective. It differs from person to person. We hope you enjoyed this video. We'll be back again. Till then, take care. Bye-bye. Keep watching Claptrap.